नमस्कार, मैं हूँ बेनजीर हाशमी और आप देख रहे हैं देश रोजाना बेबाक सच। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले कुछ खास सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली में सांसों पर संकट, आनंद विहार का AQI 762, कई इलाकों में हालत गंभीर, जहरीली हवा में सांस ले रहे दिल्ली वासी। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के साउथ ईस्ट रेलवे डिवीजन के नालपुर स्टेशन के पास सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतरे, फिलहाल अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के बदरपुर में बेटे ने की मां की हत्या, कनाडा जाना चाहता था आरोपी ने जुर्म कबूला, कहा मां कराना चाहती थी शादी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली रैली के जरिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ हिंदुत्व को प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने पाकिस्तान और फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए हिंदू समाज को एकजुट रहने का दिया संदेश। यूपी के फिरोजाबाद में एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा, खड़े कैंटर ने टेम्पो ट्रैवलर बस ने पीछे से मारी टक्कर। इस हादसे में 5 लोगों की हुई मौत जबकि 8 गंभीर घायल, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड AIUB ने महाविकास अघाड़ी MVA को समर्थन देने के लिए मुस्लिमों को 10% आरक्षण, RSS पर बैन जैसी रखी 17 शर्तें। बोर्ड ने 7 नवंबर को NCP SP चीफ शरद पवार, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को लिखी चिट्ठी। उदयपुर में विदेशी युवती को गोली मारी, 3 लड़के प्राइवेट अस्पताल में छोड़ के भागे, आधी रात के बाद होटल से निकली थी बाहर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट, सोना 1043 रुपए गिर कर 77,382 रुपए पर आया तो वहीं चांदी 91,130 रुपए प्रति किलो बिकी। ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सरकार हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल प्रत्येक जिला अस्पताल में ICU और ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, पानीपत और अम्बाला समेत 6 जिलों में ICU बनकर तैयार हैं, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सैनी जल्द ही करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि राज्य में डेंगू के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए युद्ध स्तर पर फॉगिंग कराई जाए। वहीं गुरुग्राम में शीतला माता मेडिकल कॉलेज निर्माणधीन है, जिसका कार्य अगले 6 महीने में हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बताते चलें कि इसके अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 10 में भी नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसमें 700 बिस्तरों वाला अस्पताल बनेगा। इसके उद्घाटन के लिए भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया को किनारे लगाने की अटकलों के बीच प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने भी उन पर खुला हमला बोल दिया है। दरअसल उदयभान ने राज्य में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाने के लिए पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं उदयभान ने कहा कि हमने कई बार पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट प्रभारी को सौंपी, लेकिन वह इन्हें कांग्रेस हाईकमान के पास भेजने की बजाय स्वयं दबाए बैठे रहे। इन लिस्ट को प्रभारी ने कभी आगे नहीं भेजा, इसीलिए राज्य में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण EVM की हैगिंग है, तो वही राज्य में संगठन का नहीं बन पाना भी एक बड़ी वजह है। दरअसल चंडीगढ़ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने माना कि कुछ स्थानों पर टिकटों के आवंटन में गड़बड़ी हुई है, लेकिन उनका पूरा फोकस पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया को घेरने पर रहा। हाल ही में कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी सचिव जितेंद्र बघेल को हरियाणा कांग्रेस का सह प्रभारी नियुक्त किया है। हरियाणा में यौन शोषण केस में SDM को किया गया गिरफ्तार, मसाज के लिए व्यक्ति से गन पॉइंट पर कराया था गलत काम। दरअसल हरियाणा में HCS अधिकारी कुलभूषण बंसल को पुलिस ने आज हिसार से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सिविल अस्पताल में बंसल का मेडिकल कराया, इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि कुलभूषण बंसल पर दलित व्यक्ति ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। व्यक्ति का आरोप था कि अधिकारी ने गन पॉइंट पर उसे प्राइवेट पार्ट की मसाज कराई। पीड़ित SC आयोग, CM बिंडो, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को
लिखित शिकायत भेजकर अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहा था, जिसके बाद हांसी में एसडीएम पद पर तैनात कुलभूषण बंसल को 7 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही हिसार के सिविल लाइन में उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज किया गया। एक दिन पहले शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में पीड़ित के बयान भी दर्ज किए थे। इसके बाद पुलिस ने हांसी में बंसल के घर पहुंचकर जांच की। पीड़ित के बयान और सबूतों के आधार पर आज डीएसपी सुनील कुमार ने बंसल की गिरफ्तारी की। हरियाणा सरकार ने महीने के दूसरे शनिवार को प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की थी। सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी के नाम पत्र जारी कर इसकी अनुपालना को कहा था। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें कहा गया था कि अगर स्कूल खुले मिले तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर बावजूद इसके आज कई प्राइवेट स्कूल खुले रहे। अभिभावकों ने इसको लेकर स्कूल मैनेजमेंट से बात की, मगर स्कूल प्रबंधन ने किसी भी तरह के आदेश ना होने की बात कही। आपको बता दें कि हरियाणा में आज कई प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को बुलाया गया, जबकि शिक्षा विभाग के आदेश थे कि एक्टिविटी के नाम पर भी स्कूल में बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता। हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने उकलाना के किसान की आत्महत्या पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि डीएपी खाद की कमी के चलते किसान रामभगत को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। ये घटना भाजपा सरकार की असंवेदनशील नीतियों का परिणाम है। यदि समय पर खाद उपलब्ध होती तो एक मेहनतकश किसान की जान बच सकती थी। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश सरकार को पीड़ित परिवार की सुध लेनी चाहिए, परिवार की मदद करनी चाहिए। मृतक किसान रामभगत 2 एकड़ से भी कम जमीन का मालिक था। सरकार को समय पर किसानों को खाद व बीज उपलब्ध करवाने चाहिए थे और फसलों की सही खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये थी दिनभर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।